लघुत्तम समापवर्त के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले इसके शब्दों पर भी ध्यान दें। लघुत्तम समापवर्त, इसका इंग्लिश होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में संक्षेप में से कहते हैं लॉस, और इंग्लिश इसका एब्रिविएशन है LCM। अब वास्तव में ये होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूं। तीन का अपवर्त, अपवर्त को हम दूसरा हिंदी गुणज भी है और इंग्लिश में से मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल अर्थात जब हम तीन को एक दो तीन चार इस तरह से संख्याओं से गुना करेंगे तो जो आएगा उसे मल्टीपल कहते हैं। जैसे तीन से हमने गुना किया एक, तीन को एक से तो तीन आया, दो से किया तो छः हो गया, तीन से किया तो नौ, इसी तरह से और बढ़ता जा रहा है। ठीक इसी तरह से मैंने चार का अपवर्त लिया यानी चार का मल्टीपल, ये है चार, आठ, बारह, सोलह, बीस एंड सो ऑन। अब तीन और चार का समापवर्त यानी सम अपवर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल, जो कॉमन मल्टीपल का अर्थ है कि इन मल्टीपल में, इन तीन के मल्टीपल में और चार के मल्टीपल में जो कॉमन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉमन यहाँ 12 है और यहाँ भी 12 है। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर यहाँ आता है 24 और यहाँ भी 24, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो और भी आएंगे। तो हमें दो अभी तक मिला, इतने में हमें दो मिला है, 12 और 24, आगे चलेंगे तो और भी मिलेंगे और अनंत मिलेंगे। अब तीन और चार का लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा, शब्द पर ध्यान देंगे, लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा समापवर्त लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये जो कॉमन मल्टीपल है समापवर्त है उसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये है 12 यानी 12। तो तीन और चार का लसा होगा, हो गया 12। आशा है ये समझ में आ गया होगा। अब मैं दो प्रश्न दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, इसे आप बनाएं और पोस्ट करें।